मेरा ज्यादातर वक्त लैपटॉप के सामने काम करते हुए गुजरता है। ऐसे में एक नॉर्मल चेयर पे बैठे रहना बैक पेन को दावत देने के बराबर है। इट्स नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। तो अगर आप भी मेरे तरह बैठ करके देर तक काम करते हैं तो आपको भी जरूरत है एक ऐसे चेयर की जो आपको थ्रू आउट द डे कंफर्टेबल रख सके। और हाँ, अगर वो चेयर स्टाइलिश हो, स्मार्ट हो, फीचर रिच हो और उससे आपके बैक में ज्यादा दर्द भी ना हो तो ये तो काफी कमाल का चेयर कहलाएगा। मैं बात कर रहा हूँ द स्लीप कंपनी का स्टाइलक्स एर्गो हाई बैक चेयर की। अभी मैं उसी पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और पिछले 10 दिनों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू आखिर ये कैसा है। तो सबसे पहले ये बड़े से बॉक्स में मेरे पास आया जिसमें ये जो चेयर है वो डिसअसेंबल करके रखा हुआ था। एंड इसे असेंबल करना भी बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इजिली खुद से असेंबल कर सकते हैं, लेकिन द स्लीप कंपनी आपके लिए इंजीनियर भी आपके घर तक भेजती है। बट जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा यार टेक वाला बंदा हूँ, एक चेयर भी असेंबल ना कर पाऊँ तो टेक में होने का फायदा क्या। तो इसमें दिए गए एलन की मदद से मैंने इस चेयर को हाफ आवर में टोटली असेंबल कर लिया, जो कि मुझे बहुत इजी लगा और बहुत ही सीमलेस लगा। और हाँ, जब चेयर रेडी हो गया उसके बाद जब मैंने चेयर को देखा, भाई साहब क्या लग रहा था ये चेयर, एकदम से फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लुक ये दे रहा था। स्पेशली इसका जो कलर है ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और हाँ, फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न तो है ही, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही कमाल का है। जो फिनिशिंग टचेस दिए गए हैं वो लाजवाब है। एंड स्पेशली जो इसका बेस है वो काफी ज्यादा हेवी है, जिसके कारण ये जो चेयर है बहुत ही स्टडी बनता है। और कितना ज्यादा स्टडी है थोड़ा बेन टेस्ट करके देख लें। सो ये रहा बेन टेस्ट। मैं पीछे 135 डिग्री तक इसमें जो है बेंड कर पा रहा हूँ इजिली। एंड ये चेयर इतना स्टडी है कि गिरने का कोई भी डर नहीं। आप आसानी से इसमें लेट करके अपने पैरों को टेबल पे फेंक सकते हो और बिल्कुल भी आप पीछे की तरफ नहीं गिरोगे। इतना हेवी इसका बेस दिया गया एंड इतने अच्छे से 135 डिग्री तक पीछे की ओर बेंड हो जाता है, जिसके कारण ये कंफर्टेबल भी बन जाता है। एंड टाइम टाइम पे आपको आराम करना एकदम पीछे झुक के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लेफ्ट साइड में नीचे आपको एक नॉब भी दिया गया है जिसे आप नीचे की ओर करके इसके बैक बेंड को टोटली लॉक कर सकते हो किसी भी एंगल पे। तो 90 डिग्रीज पे करना हो, 120 डिग्री पे, 135 डिग्री पे आप बिल्कुल लॉक कर सकते हो। और जब इसे अनलॉक करोगे तो ये नहीं कि ये चेयर अचानक से फेंक देगा, झटका मारेगा, ऐसा नहीं है। उसे अनलॉक करने के लिए भी जब आप नॉब को ऊपर की ओर उठाओगे उसके बाद जब इसे पीछे की ओर दबाओगे तब जाकर के ये बाहर आएगा। तो एक तरह से ये काफी सेफ भी बन जाता है, जिससे झटका वगैरह का कोई भी डर नहीं रहता। सो यह इस चेयर पे मैं टिल्ट करना बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। रह रहे मैं बस ऐसे ऐसे हिलते ही रहता हूँ काम करते करते, कई बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है। उसके अलावा जो ऊपर में हेडरेस्ट दिया गया है इसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट। मैं 5'6" के आसपास का हूँ तो मुझे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। मैं थोड़ा मीडियम पे इसे रखता हूँ तब तो। अगर आप ज्यादा लंबे होंगे तो आप इसे और भी ऊंचा जो है यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये भी कुशन दिया गया है इसलिए ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बन जाता है। और हेडरेस्ट के ठीक नीचे पीछे साइड में बैक स्पाइन के लिए लंबर सपोर्ट दिया गया है, जिसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने बॉडी के हिसाब से। मैं उसे थोड़ा ऊपर रखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि जब मैं ऊपर रखता हूँ तो मुझे थोड़ा ब्रीदेबल फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मिल रहा है और मैं ज्यादा अच्छे से सांसें ले पा रहा हूँ। एंड सीरियसली आई लव दिस। इस लंबर सपोर्ट की मदद से आपका जो बॉडी का पोस्चर है ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये आपके स्पाइन के लिए भी रियली में बहुत ही सही है। नीचे में आपको काफी चौड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है एंड उसके साइड में बटन दिया गया जिसे ऊपर की ओर दबा करके आप इसके आर्मरेस्ट को ऊपर की ओर उठा सकते हो या फिर नीचे की ओर गिरा सकते हो। किसी भी हाइट पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, जिससे अगेन ये आपके अलग अलग काम के लिए काफी कंफर्टेबल बन जाता है। टेबल पे रख करके आपको लैपटॉप चलाना है, टेबल ऊंचा है तो ये आर्मरेस्ट को आप ऊपर कर सकते हो। एंड उसके अलावा ये जो आर्मरेस्ट है आगे पीछे भी होता है, तो अगर आपके हाथ ज्यादा लंबे हैं, आपको आगे करना है या पीछे करना है, सो इट्स क्वाइट ईजी। बस इसे आप खींच करके आगे या पीछे कर सकते हो। और हाँ, राइट साइड नीचे में आपको जो नॉब मिलता है उससे आप अपने चेयर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो कितना नीचे रखना है, कितना ऊपर रखना है, ये आपके हाइट के मुताबिक होगा। और ये गैस लिफ्ट के मदद से ऊपर आता है इसलिए बहुत ही आसानी से और स्मूथली ये ऊपर नीचे हो जाता है। अगेन झटका वगैरह का कोई डर हमें यहाँ पे नहीं रहता। और जी हाँ, इस चेयर को आप टोटली 360 डिग्री पर टर्न भी कर सकते हो, नो इश्यूज। और ये बहुत ही स्मूथली टर्न होता है, किसी भी तरह का साउंड वगैरह नहीं आता। अब साउंड की मैंने बात की तो मैंने मोस्टली चेयर में देखा है कि उनके व्हील्स कुछ ऐसे क्वालिटी के होते हैं कि लेफ्ट राइट करो तो ऐसा लगता है जैसे घिसाई हो रहा हो जमीन पे। इसके जो व्हील्स है वो एंटी स्क्रैच नायलॉन से बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। मैं टोटली पूरा दिन बस चेयर को लेफ्ट राइट ले करके घूमता रहता हूँ अपने रूम में, काम में आगे पीछे करते रहता हूँ, बिल्कुल आवाज नहीं करता और स्मूथली मैं जहां जाना चाहता हूँ वहां लेकर के जाता है। सो आई रियली लव दिस। और जो व्हील के ऊपर क्रोम फिनिश व्हील बेस दिया गया है वो अगेन दिखने में तो अच्छा है,
अच्छा लगता ही है, साथ ही काफी स्टडी भी है और पूरे चेयर के लुक को वो बहुत ज्यादा इनहांस करता है। बट दोस्तों ये सारी चीजें तो इसके फीचर्स की बात थी, आखिर ये चेयर कंफर्टेबल है भी या नहीं। सबसे पहले इसका जो बैक में सपोर्ट दिया गया है यह एक प्रीमियम मेश फैब्रिक है। बेसिकली कहना यह है कि एक ऐसा फैब्रिक है जो कि आपके बॉडी के पोस्चर को आसानी से अडेप्ट कर लेता है, जिसकी मदद से आपको अपने बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में काफी आसानी होती है एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी लगता है। इसका एक और फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस नहीं होता अगर आप देर तक बैठे भी रहते हो, जो कि नॉर्मल चेयर में, जो कुशन वाले चेयर होते हैं उसमें आप पसीने पसीने हो जाते हो, पीठ आपका बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब बैक में टच नहीं कर सकते, लेकिन इसमें देर तक बैठने के बावजूद बिल्कुल हीट नहीं, कोई पसीना नहीं, बिकॉज इट्स टोटली ब्रीदेबल और कूल रहता है हमेशा। और हाँ, जैसा मैंने बताया कि ये चेयर का बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसा है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी अडेप्ट कर लेता है, तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो है ही बैक में, लेकिन साथ ही साथ ये आपके बॉडी के पेन को रिलीव करने में भी बहुत मदद करता है। मतलब बॉडी में पेन ही नहीं होने देगा अगर आप देर तक चेयर पे बैठ के काम करते हो तब भी। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेयर का सीट, आखिर वो कंफर्टेबल ना हो तो भाई बैठना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका जो चेयर का सीट है इसमें स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पैटेंटेड कहने का मतलब यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ द स्लीप कंपनी के पास है, सिर्फ उनके ही चेयर में यह टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बेसिकली जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है यह आपके बॉडी के प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है सीट पे, जिसके वजह से आपका जो बैक है और जो बम है उसमें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। उसके बाद इसमें 25,000 से भी ज्यादा एयर चैनल्स है, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा कूल भी रहता है सीट, एंड साथ ही साथ ये अल्ट्रा इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ में आता है जो अगेन आपके सीटिंग को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। और हाँ, ये जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है ये कोई मेमोरी फोम नहीं है, बट इट्स बेटर देन मेमोरी फोम। रियली मैं आई रियली लव दिस। मैं बहुत देर तक बैठ करके इस पे एडिटिंग करता हूँ एंड आई डू नॉट फील रियली एनी पेन। सो ओवरऑल कंफर्ट के मामले में मैं कहूंगा कि रियली में ये चेयर काफी कमाल का है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं इस पे बैठ करके बहुत देर तक काम करता हूँ दोस्तों, एंड सीरियसली मैं आपको बताऊँ आई रियली रियली लव दिस चेयर। उसके अलावा बोनस में ये है कि एक मेड इन इंडिया कंपनी है और इस पे आपको मिलेगी 3 साल की वारंटी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो चेयर है काफी ज्यादा मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है, लुक में कमाल का लगता है दोस्तों, डिजाइन बहुत अच्छा है, स्टडी है, गिरने का डर नहीं, आसानी से 135 डिग्री तक आप इसमें झुक सकते हो, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, सीट ऊपर नीचे करना हो, बैक रेस्ट ऊपर नीचे करना हो, हेड रेस्ट ऊपर नीचे करना हो या फिर आर्म रेस्ट ऊपर नीचे करना हो, सब कुछ हो जाता है, आपके पीठ में गर्मी नहीं लगती एंड बहुत ही अच्छे से पेनलेस आप इसमें जो है लॉन्गर टाइम तक काम कर पाते हो। और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें गेमिंग चेयर पसंद नहीं आते, रंग बिरंगे हरे नीले, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये चेयर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इसकी जो कीमत है दोस्तों वो है 18,000 रुपए एंड इस प्राइस रेंज में मैं कहूंगा रियली में एक बहुत ही अच्छा चेयर है, टोटली वर्थ इट है दोस्तों। इसे बाय करने के बाद आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने वाले हो, जैसे मैं पिछले 10 दिनों से कर रहा हूं। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई कूपन कोड हुआ तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस आज का ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आप बताओ आपको ये चेयर कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।